हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल स्टडीज। सोशल स्टडी या सोशल साइंस के अंतर्गत हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं। ये अब एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गया है। आधुनिक समय या कहें आधुनिक तकनीकी के युग में मानव में यातायात, उद्योग, संचार माध्यमों तथा अन्य क्षेत्रों में तीव्रता से परिवर्तन करके प्राकृतिक विज्ञानों में आश्चर्यजनक उन्नति की है, परंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार की प्रगति बहुत तीव्रता के साथ नहीं हुई है। इसका कारण हम ये मान सकते हैं कि मानव ने भौतिक सभ्यता का तो निर्माण कर लिया है, किंतु उसके साथ बहुत सारी जटिलताएं लगी रहती हैं, जैसे कि मान लो युद्धों का होना और अनेक प्रकार की जैसे कि महामारियों का आ जाना। इस कारण से कुछ ऐसा हो जाता है कि मनुष्य की प्रगति में थोड़ी बाधाएं आने लगती हैं। अब हम देखेंगे सोशल साइंस के बारे में। द सोशल स्टडीज मे बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड फॉर्म द सोशल साइंसेज एंड कंटेम्प्रेरी लाइफ फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज इन एडिंग यूथ टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अर्थात सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज। शुरू में विशेष रूप से अमेरिका ने इस पर ध्यान केंद्रित अधिक किया था, या कहें विशेष रूप से किया था। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन विषयों के इस समूह के लिए जो नाम दिया गया वह कई विषयों का समूह था। इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र इसमें सम्मिलित थे, और यही नामकरण जो इसको नामकरण दिया गया था वह 1892 में किया गया। बाद में इस समूह में समाजशास्त्र को और जोड़ा गया, परंतु सामाजिक अध्ययन के इस स्वरूप को सरकार की ओर से 1910 में या फिर 1910 ईस्वी तक मान्यता प्राप्त हुई। इसकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, तभी इसके बाद मान्यता प्राप्त हुई थी। 1916 में कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन में इस विषय को मान्यता प्रदान की गई और उसे एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए अमेरिका में ही राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल का निर्माण किया गया। इस परिषद ने विभिन्न विषयों के समन्वित रूप की संभावनाओं पर गहन विचार किया, अध्ययन किया, और 1934 में सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने इसके विकास के लिए सुझाव दिए। इसके उपरांत इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान यानी कि रिसर्च कार्य किए गए, रिसर्च वर्क किए गए, जिनके फलस्वरूप सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप का विकास हुआ और इसको एक क्षेत्रीय अध्ययन विषय के रूप में मान्यता दी गई। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और कहें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है ही, और ये अपने प्रति सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के प्रति सचेत, जिज्ञासु और जागरूक है। यही कारण है कि आज के इस युग में तीव्र गति से ज्ञान का विस्तार हो रहा है। मनुष्य इस ज्ञान के विस्तार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, परंतु मानव ज्ञान को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। मनुष्य इन तीनों प्रकार के ज्ञान से इन मनुष्य का जो है अटूट संबंध है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उन सभी विज्ञानों की चर्चा की जाती है जो प्राकृतिक और उसके रहस्यों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में अध्ययन करती है। ये एक एकीकृत अध्ययन है, कह सकते हैं हम इसके लिए। सामाजिक अध्ययन के विषय में विधामक विचार प्रचलित किए जाते हैं,
यह प्रचलित है ही। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति इसे भूगोल, नागशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का योग मानते हैं, परंतु सामाजिक अध्ययन इनका समूह नहीं है, वरन इसने अपनी जो है इनसे अपनी पर्याप्त सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का एक ढंग है। यह न केवल पूर्णता एक नवीन अध्ययन क्षेत्र है, वरन शिक्षा जगत में एक नवीन दृष्टिकोण भी है। जो एक भ्रामक धारणा है उसका निवारण किया जाना चाहिए, और जो अनुसंधान कार्य चल ही रहे हैं और भी विशेष रूप से अनुसंधान इस विषय में किए जाने चाहिए। इसमें जो है अनुसंधान विश्वकोष में स्पष्ट किया गया है कि किसी के लिए यह निश्चय करना नहीं है कि सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का गणितीय योग मात्र है। निश्चय ही ये इन विषयों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करता है, परंतु इसी सामग्री को ग्रहण करता है जो मानव समाज के वर्तमान तथा दैनिक जीवन के संबंधों को स्पष्ट करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फालतू की सामग्री इसमें जो है उस नहीं लेता है, वह उसी सामग्री को उसमें संगठित करता है जो कि मनुष्य को आज के जीवन में यानी कि वर्तमान जीवन में आवश्यक है या जिसकी आवश्यकता है। ये सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि इसका स्वरूप परंपरागत विषय जैसा नहीं है, वरन एक अध्ययन क्षेत्र सा है। इस विषम का वास्तविक कारण ये हो सकता है कि विषय में विभिन्न सामाजिक विषयों को स्थान प्राप्त होता है, परंतु इसमें उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए ये भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं। अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अध्ययन को परिभाषित करने का भरसक प्रयास किया है, जो हम क्रमशः देखेंगे। According to M.P. Mufat, the social studies is that area which adds youth to sound knowledge, information and functional experiences which are essential to the building of basic values, desirable habits, expected attitude and worthwhile skills, basic effective citizenship. मुफाद ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उस ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। इसी के आधार पर कुछ तथ्य निकल कर आते हैं कि आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय, शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय विषय के रूप में सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का या वातावरण का अध्ययन, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, मानव जीवन का अध्ययन। तो हम इन्हीं को देखते हैं क्रमशः बिंदुवार इसके लिए विशेष रूप से परिभाषित करने के लिए तथा अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि वर्तमान में क्या आवश्यकता है, कौन सी सभ्यता ही विशेष रूप से हमारे लिए आवश्यक है, इसको जो है सामाजिक अध्ययन स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाला। सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु से आज के जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार क्षेत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट एवं सरल बना सकें। इसके द्वारा छात्रों को अनिवार्य आदतों, छात्रों की जो अनिवार्य आदतें होती हैं तथा कुशलताओं में प्रशिक्षित तथा उनमें ऐसी वृत्तियों एवं आदर्शों को विकसित किया जाता है जो बालक तथा बालिकाओं को लोकतंत्रीय समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। The materials of the social studies provide the basic for making the world of today intelligible to the pupils for training them in certain skills and habits and for including attitudes and ideas that will enable boys and girls to take their places as efficient and effective members to secondary school. Next point है शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। सामाजिक अध्ययन कुछ भी ऐसा यानी कि कुछ ऐसा है
या कहें इसका दृष्टिकोण एक आधुनिक दृष्टिकोण वाला ही माना गया है। हम अपने इस कथन की पुष्टि कॉरेस्टर के शब्दों में कर सकते हैं, जिन्होंने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना अधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय विषय के रूप में। सामाजिक अध्ययन परंपरागत विषय नहीं है, वरन ज्ञान का एक क्षेत्र है। इस संबंध में मुफात ने जो एक परिभाषा दी है, इसमें पहले बताई जा चुकी है, लेकिन हम संक्षेप में बता सकते हैं फिर से। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उस ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है, जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का या वातावरण का अध्ययन। इसमें जो है सामाजिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत या कहीं वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरणों के प्रति उसके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूहों के सदस्यों के रूप में अध्ययन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संबंधों का अध्ययन। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये कहा गया है, कहीं मैं कई बार एंड पेज की एक डेफिनेशन है जो हम हमेशा पढ़ते समझते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो सामाजिक अध्ययन भी मानव संबंधों का जाल है। इन संबंधों का तात्पर्य यह है कि मनुष्य समुदायों, संस्थाओं, राज्यों आदि के बीच स्थित रहता है। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं पारस्परिक एवं सामूहिक संबंध भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इस संबंध में वेस्ले ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालयों की या विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। ये अध्ययन क्षेत्र विषयों के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है। ये खंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन का अध्ययन। इसके अंतर्गत मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का ही जीवन है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा सामाजिक अध्ययन के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।